लेके चल रहा है। तो सैंडविच बना रहे हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं। ओ नहीं प्रिया नहीं, ये बहुत तेज भूखी है, हम अपनी मस्ती के चक्कर में प्रिया को भी भूल गए कि इसको खाना देना है। तो अभी भी प्रेरणा उसके लिए, अचानक से याद आया कि प्रिया भूखी है, उसके लिए खाना बनाते हैं। तो ये प्रेरणा बना रही है प्रिया के लिए खाना, और मैं बना रही हूँ बेहतर, मैं बना रही हूँ उसके लिए रोटी। हाँ और ये देखो मुझे चाट रही है, आलू खिला दिया मैंने, अभी ये देख रही है इधर। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए और सबके लिए सैंडविच। ए बाया देना रे, ए बाया तू देना, भूख लगी रे बाया, भूख लगी। जल्दी बनाओ बेचारी के लिए, फिर आप भूखे हो। हाँ बहुत फिर बच्चे भूखा है। सॉरी सॉरी सॉरी। और मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज, भाई कुछ काम नहीं कर रही, आराम से बैठ के। मैंने सारा काम कर लिया था पहले, मैंने बहुत काम किया था, इस वजह से मैं देख रही हूँ वेब सीरीज। तो फाइनली हमारे सैंडविचेस बन चुके हैं, मैं खा रही हूँ शेजवान चटनी और सॉस के साथ। प्रेरणा भी वॉशरूम गई हुई है, उसका सारा खत्म कर देंगे हम। हाँ ये चटनी वहां रख दी थोड़ा, और साथ में एंजॉय कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर मूवी की, यही वाली देख लेती हूँ। फाइनली ये लड़की आ गई है, सैंडविच तैयार है, आ जाओ। दो दो सबका। सो गाइस ये तन्नू ने बनाया है, मैं सॉस के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो हम खा लेते हैं जम के, और ये बेचारी छुपके बैठ गई, इसने ना दूध पिया ना कुछ, रोटी वोटी खाई इसने कुछ नहीं खाया, पता नहीं इसको सैंडविच चाहिए या खीरे सैलेड चाहिए इसको, आई थिंक। देख रहे हो हम कितने खुराप आते हैं, रात को हम रोटी खाने की वजह सैंडविच खा रहे हैं, वो भी रात के 1 बजे, और मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही होती है बैचलर लाइफ। तो गाइस वी आर गोइंग टू आगरा, अभी बज रहे हैं 10 सुबह के, तो हम निकल दिए हैं आगरा के लिए, बैक टू आवर होम। और सोनिया की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है ना सोनी, इधर कितना गंदा है। हाँ थोड़ा सही क्लियर नहीं आ रहा है वहाँ पे, बाकी अभी कैब की है, कैब आ रही है, उसमें बैठ के जाएंगे हम। और ये सोनी अपना इसका ड्रामा चल रहा है नया, क्या ड्रामा चल रहा है आपका ये? नथिंग, मुझे कुर्सी अच्छी लगी। और ये फ्रेया भी हमने बाय, फ्रेया हमें बाय तो बोल दो, लोग अपने ही अपनी धुन में सब आ रहे हैं। जब आए थे तो बहुत, तो बाकी आई थी तो बहुत प्यार कर रही थी, बाकी बहुत मिस करेंगे। और बहुत मजा आया नोएडा में है ना सॉरी, बहुत एंजॉय भी किया, और काफी जगह घूम, कैसे निकल गए पता नहीं, 4 नहीं 5 दिन, 4 को आई मतलब, हाँ 4 दिन कैसे निकले पता भी नहीं चला। और पता है हम आए थे जब प्रेरणा आ जाओ कर रही थी, और हमें भगाने के चक्कर में, इस लड़की को देखो तुम, जा नहीं रहे हो जा नहीं रहे, इतनी जल्दी इसका मन भर गया हमसे, मुझे नहीं पता था। अच्छा ऐसे हमने सोने नहीं दिया है, मुझे सोना 4 दिन से मेरी नींद हराम कर रखी है तुम लोगों ने, 4 दिन से आके देख सकते हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बैग हमने पैक नहीं किया है, इसने हमारा बैग पैक करके हमें, हाँ इसे बैग पैक करके तुम जाओ यार, तू जा रहे यूं करके भगा दिया है हमें, सुबह उठ के दाल चावल बना दिए कि खा के जाओ, पर जाओ देख रहे हो। हाँ तो मैं बहुत सैड हूँ इस चीज को लेके, प्रेरणा के मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि प्रेरणा ऐसा कर सकती है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए कैब भी कर दी है, ताकि हाँ। हम मतलब हम तो सोच रहे थे ऑटो से जाएंगे यार, ऑटो कल को अभी ऑटो नहीं मिला वहाँ, तो हम रुक ना जाए कहीं, और बस और गर्मी रहेगी इस वजह से, मतलब उसने कैब कर दिया, कैब कर दी ताकि हम रुक ना जाए गलती से भी यहाँ पे, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप। तो अब फिर हम जा रहे हैं, ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की बातों में कभी नहीं आते, तो अब हम जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि अब हम नहीं रुक सकते, क्योंकि प्रेरणा हमें भगा रही है, और मेरे पता नहीं कैसे चोट लग गई यहाँ पे। बाकी कैब में बैठते हैं और पहुंचते हैं अपने। गाइस ये हमारा लगेज, इतना सारा लाए थे, सिर्फ ये वाला बैग, ये वाला, और इतना सारा प्रेरणा हुआ है छोड़ने जा रही है, जैसे कि बताया था कि वो बहुत एक्साइटेड है हमें छोड़ने के लिए, देख रहे हो सबसे पहले, देख रहे हो आप सबसे पहले लेके चल रही है बैग को। हाँ बाय प्रेयू, प्रिया तो आ भी नहीं रही है, प्रिया आ भी नहीं रही है, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, बाय प्रिया, बाय प्रिया, गई वापस, चलो बाय घर, बाय होम, बाय होम, बाय प्रिया, बाय। तो ये हमारी कैब आ चुकी है, ये चाबी बस मुझसे थोड़ी सी हाइट में कम है, बाकी देख रही है फ्लैट की चाबी कितनी बड़ी है, इस लड़की के लिए हम शीशा भी नहीं खोल रहे हैं। इन लोगों को 37 बस स्टैंड छोड़ देना, 3864 प्रेरणा देखो, थैंक यू, नौटंकियां देखो, बाय बाय।
तनु देख रही है यहाँ पे साड़ी एकदम से। मैम आप तो आगरा जा रही तो एकदम से ऐसे कैसे आ गई यहाँ पे? बिकॉज जो ऑटो वाला था ना वो बोल रहा था वो भदरपुर बॉर्डर बोल रहा था, तो मुझे याद आया कि पूर्वांचल कलेक्शन याद आ गया। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि पूर्वांचल कलेक्शन ना तो वहीं पड़ता है, फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई किया जाए, आए हैं यहाँ तक और जा रहे हैं तो फिर बस फिर आ गई। तो शॉपिंग का मूड बदल गया तो शॉपिंग का। भैया किस प्राइस से स्टार्टिंग है आपके यहाँ? 70 रुपये से स्टार्टिंग है इनकी साड़ियों का। बहुत बड़ा अनबिलीवेबल लग रहा होगा कि 70 रुपये से स्टार्टिंग, क्योंकि साड़ियाँ तो दो दो तीन तीन, मतलब कि हमारे यहाँ पे तो बेसिकली 500 से स्टार्ट होती है ना, 1500 2000 मतलब वो तो नॉर्मल है वहाँ पे, है ना। तो बहुत साड़ियाँ भी हम देख रहे हैं, अच्छी लगी बहुत सी, हमने कुछ साड़ियाँ चूज़ भी कर ली और वो हम लेके जाने वाले हैं। और ये जो ये साड़ी देख रहे हो ना आप, इसका 150 प्राइस है, तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक भी है और लुक वाइज भी अच्छी लग रही है, तो मैं लेके जाऊंगी ये वाली साड़ी, है ना। अरे बाकी हम घर जाके आगरा आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या साड़ियाँ खरीदी, कहाँ से खरीदी, और हमने जो ड्रेसेस भी खरीदी वो सब शॉपिंग दिखाएंगे घर पर। तो डोंट फॉरगेट टू सी हमारे आगे वाले ब्लॉग्स, देखना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि हमने अपने लिए तो शॉपिंग कर ली थी, सोचा मम्मी के लिए शॉपिंग करना रह गया था, तो हम मम्मी के लिए शॉपिंग। ये शॉपिंग क्यों हो रही है मम्मी के लिए? ताकि डांटना पड़े। हाँ डांटना पड़े, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 दिन हो गए ना शॉपिंग का बहाना करते करते, 5 दिन शॉपिंग करते करते, इसीलिए तो मम्मी को थोड़ा मस्का लगाने के लिए साड़ियाँ खरीदी जा रही है। बहुत सारी मशक्कत के बाद बाय द वे हम पहुँच चुके हैं अपने आगरा, ये रहा अपने आगरा। और इतनी सारी गर्मी की हालत देख सकते हो क्या बन गई मेरी चौमूसी के, हम दोनों की। मैं तो आती मोमोज खाती हूँ यार। हाँ मैं मतलब एटीएम से पैसे क्या निकाले गए, ये मोमोज खाती हूँ मिली है, मैं कह रही थी ना मुझे इसको कोई भी नहीं सुधार सकता, जहाँ देखो जहाँ इसे मौका मिल जाए ना खाने का वहाँ घुस जाती है खाने के लिए। तो अभी कोई ऑटो पकड़ते हैं अच्छा सा, हाँ ले जाए हमें बिना लगेज के, हमारे 20 रुपये में। तो आ गए हम अपने घर और ये देखो मैक को आते ही बेटू हग्गू इतने दिन बाद आए हैं, गेट खोलो। अब देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, इतने सारे बैग्स देखकर मम्मी आ चुकी हैं। मम्मी मम्मी तो भगा रही है यार। ओह नो मॉम, हम तो इसलिए ऐसे दिखाने की नहीं सकल, और अब हमें भगा रही है। मम्मी ए मम्मी उठाओ ऐसे उठाओ। मम्मी कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ मम्मी। आप क्यों जा रहे हो? हम जाएंगे। ओ तो यहाँ बैठी हुई है दादी, कर रही है पूजा, और मैं आपको दिखा तो नानी क्या खा के पैदा करी है अपने मम्मी को। आते ही मम्मी गुस्सा कर रही है। मैं बैठी हुई जरूर टीटू का खा के ना, मैंने कचुना खाया मुंह को खवा हुआ है। ये आते ही नानी की गोद में बैठ गई, नानी अक्सर आती नहीं है हमारे घर पे। हां बहुत दिन बाद आई है नानी, और ये तन्नू को बहुत प्यार कर रही है, आप मुझे नहीं कर रही है। तो दूर है ना इसीलिए नहीं कर रही, पर उतनी दूर आगे करेगी। हां तो घर आते हमें नानी मिली सबसे पहले। हां सबसे अच्छी बात है कि नानी मिल गई हमें, क्योंकि नानी ईद का जान है। मैं तो कह देना आप संभाल रही बेटी। अब आ गए ना, मैं याद आ रही थी तभी हिचकी आ रही थी, इस वजह से आ गए हम। सो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।